एचडी न्यूज हिंदुस्तान की धड़कन। नगर निगम के बजट सम्मेलन में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता बजट सम्मेलन स्थल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के अंदर तक आ गए और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भारी बवाल हुआ। इस दौरान कांग्रेस पार्षद चिंटू चोकसे एवं उनके साथियों के द्वारा किसी बात पर एमआईसी सदस्य सुधीर देड़गे से बहस के दौरान कांग्रेसियों ने देड़गे के साथ धक्का मुक्की कर दी। इसके बाद पार्षद चिंटू चोकसे के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अंदर सभापति द्वारा पार्षदों के इस व्यवहार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। पूरे काल में वो यहाँ पर बैठ नहीं सकते, अगर वो यहाँ पर उसके बाद में साथ ही उनके ऊपर और कठोर कार्रवाई की भी मैं अनुशंसा करता हूँ कि इस प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो इंदौर शहर के बजट के बारे में हमारे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी उसमें वो बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा पार्षद और एमआईसी सदस्यों के साथ धक्का मुक्की करने एवं अभद्र व्यवहार करने के खिलाफ महापौर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ और भाजपा पार्षद सांसद शंकर लालवानी और विधायक महेंद्र हाल्डिया के साथ लसुड़िया थाने पहुंचे। यहां पर एमआईसी सदस्य सुधीर देड़गे, पार्षद राजेश शुक्ला, राजेश चौहान, जगदीश धनेरिया ने टीआई के लेट होने पर रघुपति राघव राजा राम का गान शुरू कर दिया और जैसे ही टीआई पंकज दीक्षित थाने आए महापौर ने उन्हें रिपोर्ट लिखने को कहा। वहीं ताज़ा समाचार लिखने तक टीआई पंकज दीक्षित रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करते हुए दिखाई दिए। परिषद की बैठक चल रही थी और परिषद के लिए आज काला दिन था। जिस प्रकार से चिंटू चोकसे और उनके सभी लोगों ने परिषद की बैठक में घुसकर जो हंगामा किया और हमारे पार्षद एमआईसी मेंबर सुधीर देड़गे जी के साथ हाथापाई की, 144 धारा का उल्लंघन किया, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसीलिए सब पार्षदगण, विधायकगण, सांसद जी भी आ रहे हैं, सभी लोग यहाँ रिपोर्ट लिखवाना है। निलंबित कर देंगे सभापति, हाँ कर दिया वहाँ से। वाइफ को कि उसकी वो सदस्यता को निरस्त कर, सदस्यता निरस्त की है उनकी सभापति जी ने, क्योंकि इस तरह से आप परिषद की बैठक में हंगामा नहीं कर सकते हैं। जिस तरह उन्हें कृत्य किया, उनको गिरफ्तार करने की मांग करने सभी पार्षदगण आए हैं।